स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज के वीडियोस में आप पेंट के बाद वर्डपैड के बारे में जानने वाले हैं। पेंट का मैंने पूरा सीरीज बनाया हुआ है, अगर आप पेंट नहीं आता आपको तो आप पेंट को सीख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। चलिए आज के वीडियोस में हम जानने वाले हैं वर्डपैड के बारे में, वर्डपैड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। वर्ड जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, वर्ड मीन्स होता है शब्द और पैड जिस पर हम लिखते हैं, तो एक तरीके से हम वर्ड पैड का यूज़ हम टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं। नॉर्मली अगर हम कोई एप्लीकेशन लेटर लेटर बनाना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो हम वर्ड पैड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वर्ड पैड एक्सेसो सीरीज में मिलता है, तो हम ओपन कैसे करते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो वर्ड पैड को ओपन करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम मिलता है और इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर एक्सेसो सीरीज ऑप्शन, इस पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ आपको वर्ड पैड ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड पैड का विंडो ओपन हो चुका है। अगर हम डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम वर्ड पैड टाइप कर लेते हैं। जैसे ही वर्ड पैड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड पैड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कीबोर्ड पर जाते हैं अपने, जैसे मुझे एप्लीकेशन लेटर अगर टाइप करना है या हमें कोई स्टोरी टाइप करनी है तो यहाँ पर हम जो है कीबोर्ड से अपने टाइप कर लेते हैं। पहले लेटर को अगर आपको बड़े में टाइप करना है, कैपिटल लेटर में अगर आपको टाइप करना है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाएंगे और यहाँ जैसे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ द लायन। जैसे ही द लायन मैंने टाइप किया आप देख सकते हैं यहाँ पर द लायन टाइप हो चुका है। अगर हम चाहते हैं द लायन कि साइज़ को बढ़ाना तो साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको ग्रो फंट मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं फंट साइज़ ऑप्शन मिलता है, यहाँ आपको ढेर सारे फंट साइज़ ऑप्शन है देख सकते हैं, मैक्सिमम 72 तक है। आप यहाँ से 72 या इससे प्लस अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रो फंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसके आगे जो आप देख रहे हैं श्रिंक फंट, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन से हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं और इससे हम साइज़ को कम करते हैं। चलिए आज हम आप लोगों को वर्ड पैड के सारे कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम सारे कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपको वर्ड पैड का फर्स्ट मेनू मिल जाएगा जिसको हम फाइल मेनू बोलते हैं। इसके बाद आपका होम टैब मिलता है और व्यू टैब मिलता है, आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कमांड आप लोगों का आता है न्यू कमांड आता है। यहाँ न्यू कमांड का यूज क्या होता है जिसका शॉर्टकट है CTRL+N। तो न्यू कमांड एक नई फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर द लाइन टाइप किया हुआ है, अगर यह पेज हमारा भर गया है, अगर हम इस पेज को खाली करना चाहते हैं, एक नई पेज को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ हम न्यू पर जाकर क्लिक करते हैं, फाइल मेनू पर जाएंगे और यहाँ न्यू पर जाकर क्लिक करते हैं। ये विंडो ओपन होता है हमारे सामने और यहाँ से हम जो है देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, क्या आप सेव करना चाहते हैं इसको। अगर आप सेव करना चाहते हैं इस फाइल को तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो चूंकि मुझे नया फाइल खोलना है तो मैं यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है ओपन। ओपन क्या करता है, जो भी फाइलें पहले से बनाकर रखी हुई है आप उन फाइलों को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है कृष्णा मोहन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से उसमें जो भी सेव की गई फाइल है उसमें आपको यह बनाया हुआ दिख रहा है। और इसके बाद आप सेव कमांड की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो सेव पर क्लिक करने पर यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप नई फाइल बनाते हैं उसको सेव करने के लिए आप सेव कमांड का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। हटाने के लिए आपको न्यू पर जाके क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम फाइल को हटा देते हैं, इसके बाद नई फाइल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें कोई पिक्चर लेना है तो पिक्चर लेने के लिए आपको यहाँ पिक्चर ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाता है, यहाँ आपके पास जो भी पिक्चर है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना लोगो ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ मैंने अपना लोगो ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं
आप इस लोगो को अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है इसके कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसकी साइज़ को ऐसे कम कर सकते हैं। अगर इस लोगो को आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ आप सेव ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको विंडो ओपन हो जाता है जो पूछता है कि आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं बाय डॉक्यूमेंट में इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ फाइल नेम के आगे मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया माई लोगो। माई लोगो नेम डालने के बाद मैं यहाँ से सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं माई लोगो के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ क्लिक करके मैं हटाना चाहूँ तो न्यू कर सकता हूँ। देखना है तो माई लोगो पर क्लिक करके मैं इसको ओपन करके यहाँ से देख सकता हूँ। अब अगर मैं वापस इसको सेव करने जाऊँगा, चूँकि ये ऑलरेडी फाइल सेव है तो सेव नहीं वर्क करेगा, तो इसके लिए मुझे क्या कर लेना है, सेव एज। अगर मैं चाहता हूँ इसको अलग नाम से सेव करना तो मैं सेव एज ऑप्शन पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं माई लोगो वन के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह फाइल माई लोगो वन के नाम से भी सेव हो चुकी है। अगर मैं लोगो को प्रिंट करके निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रिंट ऑप्शन पर और यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाता है। यह आपका पेपर है जिस पर यह आपका लोगो प्रिंट होकर निकलेगा और यह उसका जगह है जहाँ पर यह प्रिंट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यह थोड़ा नीचे होना चाहिए तो उसके लिए मैं पेज सेटअप ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ ऊपर टॉप की तरफ आप देख सकते हैं ये है, तो यहाँ आपको मिल जाता है पेपर की साइज़, जो आप पेपर की साइज़ आपके प्रिंटर में लगी हो या जो आप पेपर यूज़ करते हैं आप उसकी साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे A4 साइज़ पे निकालना है तो मैं A4 साइज़ ले लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं चौड़ाई में निकालना है या लंबाई में निकालना है, यानी पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। तो यहाँ से मुझे पोर्ट्रेट में निकालना है तो यहाँ आपसे पूछेगा लेफ्ट साइड से कितना इंच छोड़ना है, तो मैं यहाँ से इसकी मार्जिन कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। राइट साइड से भी इसकी मार्जिन कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। और यहाँ टॉप से मैं इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं जो है टॉप से 2 कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं आपका लोगो नीचे की तरफ आ चुका है। अगर आप लेफ्ट से भी इसको छोड़ना चाहते हैं जगह, थोड़ा राइट लेना चाहते हैं, तो आप पेज सेटअप में जाकर पेज सेटअप में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए वापस से मैं इसको प्रिंट रिव्यू कर लेता हूँ और इसके बाद वापस से पेज सेटअप में चला जाता हूँ। पेज सेटअप ऑप्शन पर जाना है आपको, यहाँ से प्रिंट रिव्यू कर लीजिए आप, या आप चाहें तो यहाँ आप पेज सेटअप ऑप्शन नीचे भी मिल जाता है आपको, यहाँ पर भी क्लिक करके आप पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे लेफ्ट साइड से इसको थोड़ा राइट साइड में लेना है तो मैं यहाँ पर कितना लेना चाहता हूँ, 1.5 कर लेता हूँ। 1.5 इंच में इसको करने के बाद ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपका राइट साइड में आ चुका है। इसको आप रिव्यू करके भी देख सकते हैं, प्रिंट में जाइए और यहाँ से प्रिंट रिव्यू पर क्लिक कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपका लोगो राइट साइड में आ चुका है। अगर आप प्रिंट आउट करके निकालना चाहते हैं इसको तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्लिक कर लीजिए आप यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर जाइए, यहाँ प्रिंट पर जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ आपसे आपका प्रिंटर पूछता है, तो मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है। आपके पास अलग अलग तरह के प्रिंटर हो सकते हैं, HP, गैनन, ब्रदर, इप्सन, कई सारे अलग अलग कंपनियों के आते हैं। तो मेरे पास इप्सन के हैं तो मैं यहाँ पर इप्सन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ आपसे पूछेगा कि आप एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो ऑल आप कर लीजिए। अगर आप पेज में जाकर सिर्फ पहला पेज निकालना चाहते हैं तो 1x1 कर लीजिए आप। और एक पेज का आपको कितने प्रिंट आउट चाहिए, आपको जैसे 10 प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहाँ 10 कर लीजिए, इसी का आपका 10 प्रिंट आउट निकल जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए, या अभी आप प्रिंट आउट नहीं करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। इस तरीके से हम प्रिंट का यूज़ करते हैं और यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट निकालते हैं, यहाँ से पेज की मार्जिन सेट करते हैं। अगर हम यहाँ से इसको मेल करना चाहें तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका नेट कनेक्ट है तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट वर्डपैड में आप वर्डपैड का वर्जन देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ 6.1 है, विंडोज 7 प्रोफेशनल है ये। आप यहाँ देख सकते हैं 6.1 इसका वर्जन है, ये आपको इसका वर्जन दिखाता है कि वर्डपैड का वर्जन क्या है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं वर्डपैड को बंद करना तो यहाँ आपको एग्जिट ऑप्शन मिल जाता है। एग्जिट ऑप्शन से आप वर्डपैड प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वर्डपैड बंद हो जाता है। वापस से अगर आपको ओपन करना है क्लिक कर लीजिए और यहाँ टाइप कर लीजिए वर्डपैड। जैसे ही वर्डपैड टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हो चुका है।
चलिए अंडो कमांड के बारे में जानते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अंडो कमांड, जैसे अगर हमने कोई नाम टाइप किया अजय कुमार सिंह, अगर हमने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और अगर हमें इसको वापस लाना है तो हम अंडो कमांड से इसको वापस लाते हैं। अगर हम रीडो करेंगे तो ये इसको हटाता है। अंडो से हम वापस लाते हैं और रीडो से इसको हटाते हैं। अंडो जिसको लाएगा रीडो उसको हटा देता है। अंडो का जो शॉर्टकट होता है CTRL Z होता है और रीडो का जो होता है CTRL+Y होता है। तो आप कीबोर्ड से इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको एक से ज़्यादा पेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और क्लिक कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप कॉपी पर एक बार क्लिक करिए। जैसे कॉपी पर क्लिक कर देंगे यहाँ देख सकते हैं आप पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। यहाँ आप क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से जितना चाहे उतना आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इन सभी को कट करना तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। या जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया है किरण इज अ गुड गर्ल, अगर हम चाहते हैं इसको ऊपर की तरफ ले जाना तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके पीछे जाकर इसको एंटर कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। बीच के गैप को डिलीट करना है और डिलीट ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसका फॉन्ट स्टाइल अगर आप बदलना है तो यहाँ आप जाइए फॉन्ट फैमिली पर और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी इसका बदल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ। यहाँ आप क्लिक करिए और यहाँ आप देख सकते हैं आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरह का रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आप साइज़ देख सकते हैं, साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं आप। इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, इसको इटैलिक करते हैं, यहाँ से अंडरलाइन लगाते हैं, बीच में लाइन देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैंने CO2 टाइप किया, अगर हम इसको 2 को नीचे की तरफ रखना चाहते हैं, जैसा आप देखते हैं कि साइंस में जो हमारा साइंस का जो हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, अगर हम उसको देखें तो 2 हमारा जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अगर हम साइंस के पेपर बना रहे हैं तो हम यहाँ अगर हमारा 2 या कोई भी अंक नीचे की तरफ है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जाके सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप नीचे की तरफ आ चुका है ये। आप इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ मैं, वापस इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप मैथ का पेपर बना रहे हैं, जैसे मुझे ब्रैकेट के अंदर 5 का होल स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ऊपर की तरफ लगता है, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ स्क्वायर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ लग चुका है। इस तरीके से आप चाहें तो इन सभी कमांडों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे की तरफ हम चलते हैं, नया फाइल ओपन कर लेते हैं, CTRL+N कर लेते हैं। यहाँ हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने टाइप किया अजय इज ए गुड बॉय। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करके इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट करके इसको पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बुलेट या नंबर लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ढेर सारे बुलेट और नंबर मिल जाएंगे आपको। ये ऑटोमेटिक होते हैं, इंटर प्रेस करते जाएंगे आप और यहाँ पे आप इसको लेते चले जाएंगे। इसके बाद अगर इनके बीच के स्पेस को कम या अधिक करना हो तो उसके लिए आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, आप यहाँ क्लिक करके आप इनके बीच के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कम भी कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपको इसको सेंटर में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, आप किधर भी इसको आप रख सकते हैं। अभी आप इसको डिक्रीज करके पीछे की तरफ ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप स्टार्ट ए लिस्ट बुलेट और नंबर को यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं, इसको राइट में कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें तो जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कुछ लाइनें टाइप कर लेते हैं और बिना इंटरफेस किए हुए टाइप करेंगे। इसमें होता क्या है कि हमारी जो लाइनें होती हैं, जो छोटी और बड़ी होती हैं, इन सभी को एक बराबर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जस्टिफाई पर जाकर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर का, लेफ्ट का और राइट का दोनों तरफ का लाइन का जो साइज़ है वो इक्वल टू है, बराबर है। इसके बाद जो आता है अगला, आप देख सकते हैं पिक्चर कमांड। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके के पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जहाँ पर भी पिक्चर रखा हुआ है आप उस जगह पर जाकर
इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर कोई लोगो लेना है, जैसा ओपन कर लेते हैं। आपके पिक्चर कहीं भी हो सकते हैं, डी ई किसी भी पार्टीशन में आपने रखा हुआ है, तो उस पार्टीशन पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पर आपने जहाँ भी पिक्चर रखा हुआ है, आप उस पर जाकर वहाँ से आप पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कराते हैं। अगर हम यहाँ पर पेंट की फाइल को लेना चाहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेंट ड्राइंग है, आप डायरेक्ट पेंट में जा सकते हैं यहाँ से, और वहाँ से आप कुछ भी बनाकर अपने वर्ड पैड में ला सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप पेंट में आ चुके हैं। इस पॉइंट पर जाके आपको क्लिक करना है, एरो बनता है, इसको खींच दीजिएगा अपने राइट साइड में नीचे की तरफ। आप यहाँ से, जैसे मैं एक स्टार बना लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से कुछ स्टार बना लेता हूँ मैं। और इसके बाद इसमें कलर फिल करना है, तो आपको पता ही है पेंट का पूरा सीरीज मैंने बनाया है। अगर आपको, आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप इसके बाद ऐसे फिल कर सकते हैं, कोई भी आपको कलर इसके अंदर फिल करना है आप यहाँ से फिल कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, जैसे ही क्लोज करूँगा आप देख सकते हैं ये वर्ड पैड में आ चुका है। आप इस तरीके से पेंट में जाकर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पेंट में बना के लाना चाहें तो ला सकते हैं। आपको डिलीट करना है, क्लिक करना है, डिलीट बटन दबा दीजिए, मिट जाता है। अगर आज का डेट और टाइम चाहिए तो यहाँ क्लिक करिए, आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 2021 को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं। और इसका टाइमिंग क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी टाइमिंग भी ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 6:44:07 हो रहे हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं आप इसको टैप करके इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेट और टाइम इंसर्ट कराते हैं। इसके बाद चलते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइंड का यूज़ हम तब करते हैं जैसे हमने कुछ नेम टाइप कर लिया है, अजय टाइप कर लिया और विजय टाइप कर लिया। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कॉपी किया, शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है और पेस्ट का CTRL यानी कंट्रोल प्लस भी होता है। अगर मैं यहाँ से किसी भी नेम को सर्च करना चाहता हूँ, जैसे मुझे सर्च करना है अजय कहाँ कहाँ है, तो अजय पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करूँगा। जैसे फाइंड नेक्स्ट करूँगा आप देख सकते हैं उसको सर्च करके ये बताएगा। और रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे आप तो विंडो ओपन होगा, और यहाँ मैं चाहता हूँ अजय की जगह कोई और नाम हो, तो मैं यहाँ चाहता हूँ विकास नाम होना चाहिए उस जगह, तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप सभी बदल सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपका अजय था उस जगह पर आपका विकास हो चुका है। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना हो तो यहाँ सेलेक्ट पर आप क्लिक करिए, इसके बाद डिलीट बटन दबा दीजिए, आपका मिट जाता है। अगर आप वापस से लाना चाहते हैं तो यहाँ अंडो कर लीजिए। अगर आप पेज के जूम साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आप यू में चले जाइए, और यहाँ देख सकते हैं जूम इन ऑप्शन है। जैसे क्लिक करेंगे आप पेज की साइज को, जूम साइज को ऐसे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप जूम आउट करेंगे तो ये छोटा होता जाता है, ये देखिए इस तरीके से। और नॉर्मल करना हो तो 100%। यहाँ रूलर है आपका, इस रूलर को शो और हाइड करते हैं। स्टेटस बार को शो और हाइड किया जाता है, यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ये आपका स्टेटस बार होता है, यहाँ से शो और हाइड करते हैं इसको। और वर्ड रैप का यूज़ हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहाँ आप वर्ड रैप का यूज़ देख सकते हैं। नो रैप कर लीजिए आप यहाँ पर, जब आप टाइप करते हैं कुछ भी तो आपका टेक्स्ट आगे की तरफ चलता चला जाता है इस तरीके से ऐसे। तो आपको अगर वापस लाना है कि नॉर्मल होना चाहिए, जैसे मैं टाइप करूँ तो नीचे की तरफ आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रैप टू रूलर कर लेना है। जैसे रैप टू रूलर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका नॉर्मली टाइप होने लगा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका यहाँ पर रैप, वर्ड रैप पर, नो रैप पर ये टिक किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से रैप टू रूलर कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपका रूलर है, यहाँ मेजरमेंट इसका चेंज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, पॉइंट या पिक्सेल में करना चाहते हैं। फिलहाल इंचेज में मैं सेंटीमीटर में करना चाहूँ तो देख सकते हैं आप ये सेंटीमीटर में हो चुका है। यहाँ से आप इसको इंच में करना चाहें तो इंच में कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वर्ड पैड के सभी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लोज़ है, आप बंद करना चाहते हैं अगर अपने सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ क्लोज़ ऑप्शन से आप बंद कर सकते हैं। अगर नीचे छिपाना चाहें तो यहाँ मिनिमाइज ऑप्शन से आप ऐसे नीचे हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं ऐसे। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको किसी कमांड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो यहाँ से हेल्प ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके, जिसका शॉर्टकट होता है F1 क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आके इन सभी जिन भी आपको कमांड इसके बारे में पढ़ना हो आप यहाँ से भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे क्रिएट, ओपन एंड सेव आप क्लिक करेंगे, इनके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी कमांड के बारे में यहाँ से हेल्प ऑप्शन से आप पढ़ सकते हैं।
इस तरीके से आप वर्डपैड का यूज़ करते हैं। यह वर्डपैड का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे मैं आप लोगों को वर्डपैड में किस तरीके से एप्लीकेशन लेटर डिज़ाइन करते हैं, तैयार करते हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़रूरी हैं कि किस तरीके से हम साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, डेट एंड टाइम कैसे हम इंसर्ट कराते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट कराते हैं, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।